हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। फाइनली आईटीसी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट यहां पर आ चुका है। हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या इंप्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल गया है। जी हाँ, अगर आप आईटीसी के शेयर होल्डर हो तो बेहतरीन आपको कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला है। तो वीडियो को आप पूरा देखोगे, आपको अच्छे से इसके क्वार्टर थ्री के जो नंबर्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, यस बैंक का अदानी के साथ क्या कनेक्शन है, वीडियो में जाके आप देख लो, प्रीवियस वीडियो है। साथ के साथ अदानी की पूरी जो वीडियो डाली हुई है वो भी उससे पहले अपलोड की है, वो भी आप जाके देख लेना। आज अगर हम यहाँ पे देखें तो रिजल्ट का दिन था और रिजल्ट के दिन आईटीसी ने ठीक ठाक मूवमेंट दिखा, करीबन 0.55% का मूवमेंट जो है वो आज के दिन आईटीसी लिमिटेड में देखने को मिला। 380 पर जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। 382 तक का ही हाई बना था, लेकिन 372 का 372 का लो था, तो वहाँ से एक मूवमेंट अच्छा आया, लेकिन ओवरऑल केवल 0.5% का मूवमेंट। पिछला अगर हम एक महीना देखें जहां पे निफ्टी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो एक ये स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया है। 25 जनवरी से अभी तक भी अगर हम देखते हैं 16.5% के रिटर्न्स हैं, बेहतरीन रिटर्न्स बना दिए हैं, और पिछले 6 महीने में 23% के रिटर्न्स हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो है बहुत तगड़ा मूवमेंट आया है आईटीसी में। और जहां पे 300 रुपये का टारगेट क्रॉस नहीं होता था, आज के टाइम पे 400 रुपये के टारगेट्स अचीव होते नज़र आ रहे हैं। पिछले एक साल में 63% के आसपास के रिटर्न्स हैं, तो बहुत अच्छी कंपनी है, एफएमसीजी की लीडर है, और यहाँ पर रिटर्न्स भी अब अच्छे मिलने लग गए। तो फाइनली यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इनके जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स आए हैं वो क्या रहे हैं। तीन चीज़ों पर नज़र डालेंगे, इस क्वार्टर के रिजल्ट यानी कि क्वार्टर थ्री के नंबर्स क्या हैं, क्वार्टर थ्री 2021 के नंबर क्या हैं, और प्रीवियस क्वार्टर के नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इनके टोटल इनकम के बारे में। टोटल इनकम अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, इंक्रीज़ हुई है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई है। फिगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, 18787 था जो कि बढ़कर हो गया है 19616, यानी कि एक क्वार्टर का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी खासी इंप्रूवमेंट इनकम में हुई है। वहीं अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो 19062 से 19616, यानी कि दोनों ही पैरामीटर पॉजिटिव नज़र आए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस। और ऐसा नहीं है कि बहुत माइनर सा चेंज हुआ है, अच्छा चेंज देखने को मिला है दोनों ही हमें रिस्पेक्टिवली। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिसमें एक्सपेंसेस अब बात करें तो इसमें बहुत सारे फाइनेंस कॉस्ट, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं डायरेक्टली आपको एक्सपेंसेस पर लेके चलूँ तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे कम होते हुए नज़र आए हैं, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ हुई है। रेवेन्यू बढ़ गया, इनकम बढ़ गई और एक्सपेंसेस कम हो गए। यहाँ पे अगर आप देखो, एक साल से कंपेयर करता हूँ, 18283 से 12772, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ भी आपको काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं तो 13207 से 12772 हो गया, इनकम इंक्रीज हो गई, एक्सपेंसेस कम हो गए, बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें अच्छी नज़र आई अभी तक। डायरेक्टली अब लेके चलता हूँ आपको प्रॉफिट फॉर दी पीरियड पर, जो कि हमारा मेन चीज़ है कि आखिर कंपनी ने कमाई कितनी करी है, मुनाफा कितना किया है। मुनाफा इस बारी बढ़ गया है, 4670 से 5070 फिगर चेंज होते हुए नज़र आया, यानी कि बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और ये हम बात कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहाँ तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट है, 4118 से 5070, तो ये एक बहुत अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आपको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। अभी तक हमने बात करी ऑपरेटिंग इनकम के बारे में, ओवरऑल टोटल इनकम के बारे में, टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, और प्रॉफिट फॉर दी पीरियड के बारे में। इन चारों ही पैरामीटर में आईटीसी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स धमाकेदार नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है, 3.73 से बढ़कर हो गया है 4.04,
यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शेयर होल्डर को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें 3.29 से 4.04 हो गया है, यानी कि अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ नज़र आती है। तो ये तो हो गया ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो क्या देखने को मिला है। तो इन्हीं का अनाउंसमेंट मैंने जो नोटिफिकेशन दी है वही ओपन की है। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पॉइंट नज़र आता है एंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹6 आपको यहाँ पे पर शेयर पे मिलने वाला है, यानी कि एक शेयर पे ₹6 का जो डिविडेंड है वो मिलने वाला है। अच्छा खासा डिविडेंड, यानी कि ₹1-2 का दे दिया, ₹6 का डिविडेंड, बहुत बेहतरीन डिविडेंड है। साथ के साथ अगर आप देखोगे तो जो डिविडेंड है वो आपको 3 मार्च से लेके 5 मार्च के बीच में पे किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात निकल के आती है कि बहुत ज़्यादा पीरियड लंबा नहीं रखा गया है। रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट है आपकी 15 फरवरी 2023। 15 फेब से पहले पहले आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो 15 फेब को पोजीशन बनाओगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उससे पहले पहले आप पोजीशन बना लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ₹6 का जो डिविडेंड है पर शेयर के हिसाब से वो मिल जाएगा। तो अभी तक यहाँ पे जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी सारी बेहतरीन नज़र आई ITC से रिलेटेड Q3 में। मैं आपको अगर मैं कंपेयर करूँ ET नाउ के पोल से, अगर मैं इसका कंपेयर करता हूँ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इस बारी 5031 हुआ जैसे मैंने आपको दिखाया, और पोल्स में जो आया था वो करीबन 4605 था, यानी कि जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा था जो रिसर्चर बता रहे थे उसको भी बीट किया है ITC ने, यानी कि एस्टिमेट्स भी बीट किए हैं, ओवरऑल शेयर होल्डर को भी खुश किया है, डिविडेंड दिया है और साथ के साथ इनकम बढ़ाई है, एक्सपेंसेस कम किए हैं, प्रॉफिट बढ़ाया है, EPS बढ़ाया है, यानी हर चीज़ में ITC जो है बेहतरीन नज़र आई है। साथ के साथ ₹400 के जो टारगेट हैं वो आपको नज़र आते हैं और मंडे को चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल जाए ITC के अंदर। और हाल फिलहाल में एक अभी जो बजट में चेंजेस हुए थे सिगरेट पर जो टैक्सेस है वो इंक्रीज किए थे, जिसकी वजह से जो सिगरेट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है, प्राइस बढ़ गया है, तो वहाँ से तो चीज़ें उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल गया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको सोमवार को देखने को मिलेगा। और साथ के साथ मैंने प्रीवियस वीडियोज़ जो अपलोड किए हैं वो आप देख लीजिएगा, सारी काम की वीडियो हैं, सो डैट आपको मंडे पर आप रेडी रहो और ट्रेडिंग वगैरह में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाए। अदानी पर भी मैंने वीडियो बना दी है, यस बैंक पर मैंने वीडियो बना दी है और ये आपको ITC के Q3 नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।